समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य गजेंद्र पटेल, गज्जू अगरिया। आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य BRC जैसी नगर। सभी नगर वासियों एवं शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य आकाश विश्वकर्मा, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जैसी नगर। सभी नगर वासियों एवं शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य जनपद पंचायत जैसी नगर। समस्त क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य SMT कंस्ट्रक्शन जैसी नगर। आप सभी क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य ग्राम पंचायत देवलचौरी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य कार्यालय नगर परिषद राहतगढ़ जिला सागर। समस्त क्षेत्र वासियों एवं प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य सितारा बी जहीर कुरैशी, कांग्रेस दावेदार नगर परिषद राहतगढ़। समस्त क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य इंद्रपाल सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत बिनाई की राहतगढ़। जनपद पंचायत राहतगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस की आप सभी क्षेत्र वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य रूप सिंह आठिया, सरपंच ग्राम पंचायत उमरिया सेमरा राहतगढ़। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं नगर पालिका निगम सागर की ओर से आप सभी नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्र वासियों एवं नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य सन्मति हार्डवेयर बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश। जब सगे रिश्तों में रिश्तेदारों में शादी होने लगे तो जाहिर है ऐतराज जरूर होगा। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर के रैली की है, जहां जब दो सगे रिश्तेदारों के लड़के और लड़कियों में लव मैरिज हो गई तो फिर हंगामा हो गया, जमकर लाते घूंसे चली, वो भी थाने के सामने। असलियत में लड़की पक्ष के लोग इस शादी से खफा हो गए और फिर सड़क पर तमाशा हो गया। यकीनन यह बात बिल्कुल साफ है कि जब रिश्तों में सगे संबंधियों के बीच इस तरह के संबंध होते हैं तो फिर घर वाले ही नहीं, समाज के लोगों में भी एतराज होता है। रैली में थाने के सामने दो रिश्तेदारों में लड़का और लड़की पक्ष में जमकर हाथापाई हुई और लात घूंसे चले। थाना रैली में पूर्व से गुम इंसान कायम किया गया था। गुम इंसान में महिला का गुम इंसान था जिसे आज दस्तयाब किया गया। उस महिला ने प्रेम विवाह लड़के से किया था और थाने में अपनी दस्तयाबी दर्ज कराई थी। लड़की के परिवार वाले इस व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे तथा वो नहीं चाहते थे कि लड़के से शादी हो और लड़के के साथ वो महिला जाए। हालांकि पुलिस तमाशा देखती रही। बाद में पुलिस ने पूरे मामले में दोनों पक्षों को समझाइश दी और दोनों पक्ष अपने घर चले गए। प्रवीण सोनी, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।